अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। भारतीय रेलवे ने एक महत्वपूर्ण घोषणा के तहत कहा है कि सभी नियमित यात्री ट्रेन सेवाएं अगले आदेश तक निलंबित रहेंगी। जो 230 विशेष ट्रेनें चल रही हैं वो उनकी सेवाएं बरकरार रहेंगी। अगर उनकी मांग में वृद्धि होती है तो आवश्यकता के अनुसार इन विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। इस समय 230 विशेष ट्रेनें चल रही हैं और नियमित यात्री ट्रेन सेवाएं लॉकडाउन जब पहली बार देश में लगा था तब से वो स्थगित हैं। जो रेलवे का पिछला आदेश था उसके हिसाब से 12 अगस्त तक नियमित यात्री ट्रेन सेवाएं निलंबित रखने की घोषणा की गई थी। अब 12 अगस्त से कुछ घंटे पहले रेलवे ने यह बयान जारी किया है। इसमें बता दिया है कि जो लोकल ट्रेन सेवाएं हैं वो भी निलंबित रहेंगी। हालांकि मुंबई में जो लोकल ट्रेन सेवाएं चल रही हैं एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े लोगों के लिए वो क्रम जारी रहेगा। इसके अलावा एक और बड़ी खबर अभी तुरंत के आ रही है, वो ये है कि CBDT ने यानी आयकर विभाग ने छापेमारी की है 1,000 करोड़ रुपए के धन शोधन मामले में। और ये कार्रवाई की गई है कुछ चीनी कंपनियों पर, जो चीनी व्यक्ति हैं, चीनी नागरिक हैं, उनके कुछ भारतीय सहयोगियों पर, और भारतीय सहयोगियों में कुछ बैंक कर्मी भी शामिल हैं। इस तरीके की तुरंत की एक खबर आ रही है। इसके अलावा मशहूर शायर राहत इंदौरी का आज निधन हो गया। और आपको आज इसके जो आज का कार्यक्रम है उसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से एक साइन बोर्ड पेंटर से वो देश के विख्यात कवि बन गए थे, कैसे आज उनको उनके ही अंदाज में लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसके अलावा आज के इस बुलेटिन में ये भी बताएंगे कि रशिया, जिसने दावा किया है कि कोरोना की वैक्सीन उसने बना ली है, उसको पेश भी कर दिया है। आज दुनिया की पहली COVID-19 वैक्सीन उसने पेश कर दी है, लेकिन अमेरिका ने इस पर सवाल उठा दिए हैं। रशिया अपने दावों में क्या कह रहा है और अमेरिका अपने सवालों में क्या बात कह रहा है, ये आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं राहत इंदौरी की। ऐसी सर्दी है कि मौसम भी दुहाई मांगे। ऐसी सर्दी है कि मौसम भी दुहाई मांगे, जो हो परदेश में वो किससे रजाई मांगे। कोरोना वायरस संक्रमण से मंगलवार को राहत इंदौरी का निधन होने के बाद अदब की मंचीय दुनिया ने वह नामचीन दस्तखत खो दिया है जिनका काव्य पाठ सुनने के लिए दुनिया भर के मुशायरों और कवि सम्मेलनों में लोग बड़ी तादाद में उमड़ पड़ते थे। हालांकि यह बात कम ही लोग जानते होंगे कि एक ज़माने में वह पेशेवर तौर पर साइन बोर्ड पेंटर थे। इंदौरी के परिवार के करीबी सैयद वाहिद अली ने बताया, शहर के मालवा मिल इलाके में करीब 50 साल पहले उनकी पेंटिंग की दुकान थी। उस वक्त वह साइन बोर्ड पेंटिंग के जरिए आजीविका कमाते थे। अली ने बताया कि उर्दू में ऊंची तालीम लेने के बाद इंदौरी एक स्थानीय कॉलेज में इस जुबान के प्रोफेसर बन गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने यह नौकरी छोड़ दी और वह अपना पूरा वक्त शायरी और मंचीय काव्य पाठ में देने लगे थे। अपने 70 साल के जीवन में इंदौरी पिछले 4.5 दशक से अलग अलग मंचों पर शायरी पढ़ रहे थे। उन्होंने कुछ हिंदी फिल्मों के लिए गीत भी लिखे थे, लेकिन बाद में फिल्मी गीत लेखन से उनका मोह भंग हो गया था। इंदौरी का असली नाम राहत कुरैशी था। हालांकि इंदौर में पैदाइश और पलने बढ़ने के कारण उन्होंने अपना तखल्लुस यानी शायर का उपनाम इंदौरी चुना था। उनके पिता एक कपड़ा मिल के मजदूर थे और उनका बचपन संघर्ष के साए में बीता था। अली ने बताया, इस संघर्ष ने इंदौरी की शायरी को नए तेवर दिए। वह हालात से लड़ते हुए शायरी की दुनिया में सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ते रहे। इस बात का सबूत इंदौरी के इस शेर में मिलता है, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। सूरज सितारे चांद मेरे साथ में रहे, जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे। सूरज सितारे चांद, न जाने कहां उड़ गई सोने की चिड़िया। सूरज सितारे चांद मेरे साथ में रहे, जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे। और शाखों से टूट जाएं, अब हालात बदल गए, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कोई कह दे के औकात में रहे। इसी तासीर का उनका एक और शेर है, आंख में पानी रखो होठों पर चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो।
इंदौरी की शायरी अलग अलग आंदोलनों के मंचों पर भी गूंजती रही है। संशोधित नागरिकता कानून यानी CAA, राष्ट्रीय नागरिक पंजी यानी NRC और राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी यानी NPR के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों के लिए उनका मशहूर शेर सभी का खून है शामिल, यहाँ की मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, जैसे कोई नारा बन गया था। सभी का खून है शामिल, यहाँ की मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। CAA, NRC और NPR के विरोध में देश भर में हुए धरना प्रदर्शनों से लेकर सोशल मीडिया की अभिव्यक्तियों में इस शेर का खूब इस्तेमाल किया गया था। इंदौरी के करीबी लोग बताते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में वह दुनिया भर में लगातार मंचीय प्रस्तुतियां दे रहे थे और अपने इन दौरों के कारण गृहनगर में कम ही रह पाते थे। बहरहाल COVID-19 के प्रकोप के कारण वह गुजरे 4.5 महीनों से उस इंदौर के अपने घर में रहने को मजबूर थे, जो देश में इस महामारी से सबसे ज़्यादा प्रभावित जिलों में शामिल है। इंदौरी ने अपनी मशहूर गज़ल बुलाती है मगर जाने का नहीं का एक शेर 14 मार्च को ट्वीट किया था। वबा फैली हुई है हर तरफ, अभी माहौल मर जाने का नहीं। इंदौरी ने अपने इस ट्वीट के साथ COVID-19 और कोरोना जैसे हैशटैग इस्तेमाल करते हुए यह भी बताया था कि वबा का हिंदी अर्थ महामारी होता है। COVID-19 की महामारी से इंदौरी के निधन से देश दुनिया में उनके लाखों प्रशंसकों में शोक की लहर फैल गई है और उन्हें सोशल मीडिया पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी जा रही है। मैंने ये कहा है कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ, वो मुझको मुर्दा समझ रहा है। उसे कहूँ मैं मरा नहीं हूँ, हे वो कह रहा है कि कुछ दिनों में मिटा के रख दूंगा नस्ल तेरी, हे उसकी आदत डरा रहा है, हे मेरी फितरत डरा नहीं हूँ। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना, अपना मालिक अपना खालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। उधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को घोषणा की कि उनके देश ने कोरोना वायरस के खिलाफ पहला टीका विकसित कर लिया है, जो COVID-19 से निपटने में बहुत प्रभावी ढंग से काम करता है और एक स्थायी रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करता है। इसके साथ ही उन्होंने खुलासा किया कि उनकी बेटियों में से एक को यह टीका पहले ही दिया जा चुका है। स्पुतनिक न्यूज ने कहा कि पुतिन ने यह दावा एक सरकारी बैठक में किया और कहा कि यह विश्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। पुतिन ने कहा कि उनकी एक बेटी परीक्षण में शामिल हुई और उसे टीका दिया गया। उन्होंने कहा पहले टीके के बाद उनकी बेटी के शरीर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस था, अगले दिन यह 37 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा अधिक था, दूसरे टीके के बाद उसका तापमान कुछ बढ़ा और फिर सब ठीक हो गया, वह अच्छा महसूस कर रही है और एंटीबॉडी स्तर अधिक है। पुतिन ने कहा यह टीका बहुत प्रभावी तरीके से काम करता है और स्थायी रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है। राष्ट्रपति ने कोरोना वायरस के खिलाफ पहले टीके पर काम करने वाले सभी लोगों का धन्यवाद व्यक्त किया और उम्मीद जताई कि रूस निकट भविष्य में बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन शुरू करने में सक्षम होगा। उधर अमेरिका ने रूस की कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठा दिए हैं। अमेरिका के स्वास्थ्य एवं मानव सेवा सचिव एलेक्स अजार ने कहा है कि COVID-19 का पहला टीका बनाने की जगह कोरोना वायरस के खिलाफ एक प्रभावी और सुरक्षित टीका बनाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि टीके की सुरक्षा और इसके प्रभाव को साबित करने के लिए पारदर्शी डेटा का होना महत्वपूर्ण है। अजार ने रेखांकित किया कि अमेरिका में 6 टीकों के विकास पर काम हो रहा है। उधर गूगल ने लोगों को एक नई सेवा उपलब्ध कराई है। दरअसल आप इस सेवा के तहत वर्चुअल अपना विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं। आपको जाकर बस गूगल पर ऐड मी टू सर्च में ऐड अपने जो डिटेल्स है वो देनी है और उसके बाद आपका एक वर्चुअल विजिटिंग कार्ड बन जाएगा। जो भी आपके बारे में सर्च करेगा उसको आपका विजिटिंग कार्ड दिखाई देगा। उस विजिटिंग कार्ड में अपना नाम डाल सकते हैं, आप अपने कंपनी के बारे में डाल सकते हैं, अपने जो सोशल मीडिया प्रोफाइल हैं वो डाल सकते हैं, उनके लिंक डाल सकते हैं, तो ये सब चीज़ें आप दे सकते हैं। और ख़ासतौर पर ये जो सेवा है अभी इंग्लिश भाषा अंग्रेजी भाषा में ही शुरू की गई है और भारत में शुरू हो चुकी है, तो आप भी अपना वर्चुअल
अपने विजिटिंग कार्ड बनाना चाहते हैं, अपने उद्योग को, व्यापार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो गूगल की सेवा का लाभ उठा सकते हैं।